पप्पू से क्या कहा है? यही कि फातिमा शहीद को पसंद करती है, आप मामू से बात कर लें। अब हमें भी हम्माद से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। मैं हम्माद को खुला का नोटिस भिजवाऊंगा। आप मुझे रुख्सत कर देना चाहती है एक शादीशुदा आदमी के साथ? शुक्र करके तेरा रिश्ता आए। आप सब मुझे बहुत अच्छे लगे और नौरीन भी। आपकी बड़ाई है कि आपने अपने घर वालों से छुपाया हुआ कि आखिरी दिन वो आपसे मिलने आए थे और बाबा जान की बातों की वजह से उनको अटैक हुआ। तुम लोगों ने तो हमेशा मुझे गलत ही समझा है, लेकिन मैंने कभी तुम लोगों का बुरा नहीं चाहा। तुम दोनों आमिर की बहनें हो और मुझे आमिर के हर रिश्ते से बहुत मोहब्बत है। अब देखो ना, इतना अच्छा रिश्ता आया था, मैं चाहती तो अपने खानदान की किसी भी अच्छी सी लड़की से शादी करवा देती, लेकिन मुझे सिर्फ नूरी की फिक्र थी। तुम बहुत अच्छी हो निशो, वरना भाभियां कहाँ फिक्र करती हैं इतनी अपनी नंदों की। तारिक बहुत अच्छा लड़का है नूरी, तुम उसका ख्याल रखोगी तो वो अपनी जान भी निछावर कर देगा तुम्हें। नूरी अब अकलमंदी इसी में है कि तुम अपना घर बसाओ, अपने मियाँ का साथ दो ताकि तुम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजार सको। जी शहजीन बेटा, ये लो जूस। पापा जूस आप लाए, भाभी कहाँ है? तुम्हारी भाभी अभी तक पड़ी सो रही हैं, हालांकि रुबीना ने रात को खूब खिला पिला कर भेजा था, लेकिन देख लो क्या वक्त हो रहा है और शहजादी साहिबा सो रही हैं। आप टेंशन ना लें, आप मुझे बोल देते मैं बना लेती। क्यों, तुम क्यों बनाओगी भाई? तुम ससुराल से कम मशक्कतें करके आई हो जो तुम बनाओगी? कोई काम नहीं करोगी घर का, तुम समझ गई तुम? और ये डस्टिंग भी मैं ही करूंगा। सलामुलेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। तुम्हारी बेगम तो सो रही है अभी तक? वो बाबा उसकी तबीयत खराब थी तो इसलिए मैंने ही उसे कहा कि वो सो जाए। तबीयत खराब थी या ज्यादा देर सोने का बहाना है? आपको क्या हो जाता है बाबा, सारा दिन काम करती है बेचारी, इंसान समझे उसे, थक जाएगी वो। आप भी ना बस देख रही हो बेटी हैं? कैसा सर पे चढ़ाया हुआ है अपनी बेगम को इसने, पछताएगा एक दिन, देख लेना तुम। बाबा टेंशन ना ले, मैं नाश्ता बना लूं। जी नहीं, तुम कोई काम नहीं करोगी, जब वो उठेगी जब ही नाश्ता बनेगा। तुम बस जूस पियो और ये डस्टिंग भी नहीं करना, मैं खुद करूंगा। ठीक है। नाश्ता करके गया है ना? जी, आज उसे जल्दी जाना था, प्रमोशन के बाद पहली मीटिंग है आज उसकी। वैसे मैंने भाईजान से बात की थी शहीद के बारे में। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने क्या कहना था, वो तो बहुत खुश हुए, कह रहे थे कि मैं तो खुद फिक्रमंद था कि फातिमा के लिए रिश्ता तलाश करना है, लेकिन मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा। फिर क्या कहा? और फिर उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी, मुझे कह रहे थे कि शहीद अगर घर का ही बच्चा है तो फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं। वेरी गुड मामा, बहुत फास्ट निकली हैं आप। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बस फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ बिस्मिल्लाह तो करते हैं, लेकिन पहले मैं खुद तो फातिमा से बात कर लूँ। इससे पूछने की क्या जरूरत है, मुझे अच्छी तरह पता है इसके दिल में क्या है। नहीं फिर भी फातिमा कुछ तो कहो। पप्पू जैसा बेहतर समझे। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम भी यही चाहती हो? फजूल ना बको। तुम तो कर रही हो बेचारी।
मामा आप शहीर से आज ही बात कर लें, इफ एवरीथिंग वर्क्स आउट तो फिर हम निकाह की तारीख पक्की कर लेते। बहुत अरसा हो गया इस घर में कोई शोर शराबा नहीं हुआ। बिस्मिल्लाह करते हैं। चल आने दो शहीर को। गुड लक। थैंक यू। खुश रहो। मैं अब क्यों याद कर रही हूँ शहीर को, क्यों उसकी याद में सारा वक्त रोती रहती हूँ। उसको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं, उसने तो मुड़ के दोबारा कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं, तो मैं क्यों रो, मैं क्यों याद करूं उसे। और अब यहां मेरे लिए तारिक का रिश्ता है, और यकीनन अम्मी मेरे लिए कुछ बेहतर ही सोच रही होंगी, लेकिन मुझे यकीन तो नहीं आता कि भाभी मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढेंगी। मगर शायद भाई के ही कहने पे उन्होंने कुछ किया हो। हेलो। हाँ नाजी, कैसी तबीयत है तुम्हारी? सर में बहुत दर्द हो रहा है आज़ा, और चक्कर भी आ रहे हैं। मेडिसिन लिए तुमने? अभी तो किचन में खाना बना रही हूँ, अगर मेडिसिन ले लेती तो नींद आ जाती ना। क्या जरूरत थी खाना बनाने की, एक दिन खाना नहीं बनता बाहर से आ जाता तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता। अरे ताया वो बाजार का खाना कहाँ खाते हैं, आपको पता तो है, खफा हो जाएंगे वो। नाजी अच्छा मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। नाजी जल्दी से शहजीन के लिए जूस बनाओ और मुझे खाना दो, मुझे जाना है। और ये क्या हर वक्त तुम फोन पे गपशप पे लगी रहती हो, भाई काम के दौरान तो कम से कम फोन इस्तेमाल मत किया करो, रखो इसे और काम करो, जल्दी करो। तायाबू मैं किसी से गपशप नहीं कर रही, आजर की कॉल है। अरे आजर की कॉल हो या किसी और की कॉल हो, बेटा काम के वक्त फोन इस्तेमाल नहीं करते। अब जल्दी से शहजीन के लिए जूस बना के उसको पहुंचाओ और खाना तैयार करो, मुझे जाना है। जी बाबा भी हद करते हैं, बेचारी नाजी को इंसान नहीं मशीन समझते हैं, पता नहीं क्या हो गया। हमाद ने इतनी बार पहल कर लिए तो अब मुझे भी एक बार फोन करना चाहिए। नहीं फोन नहीं, पहले टेक्स्ट कर देती हूँ। ये किसे मैसेज कर रही है, कहीं हम्माद को तो नहीं? जी शहजीन बेटा। जी बाबा। मसरूफ हो? नहीं नहीं बाबा, कहिए क्या काम था। बेटा मेरी अलमारी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, मैं चाह रहा था तुम जरा उसको प्रॉपर कर दो, मुझ में हिम्मत नहीं है इस वक्त। कोई बात नहीं बाबा, मैं ठीक कर दूंगी। हाँ, कुछ मेरे पेपर्स भी हैं वो भी ढूंढ रहा था, शायद तुम ठीक करोगी तो शायद मिल जाए। ओ बाबा आपकी फाइल्स, चलिए ठीक है मैं देख लेती हूँ। जीती रहो बेटा। मेरा शक ठीक था, Thank you.
इसका मतलब है बच्चा दुनिया में आ चुका है। आखिर क्या हुआ होगा, बेटा या बेटी, मुझे इससे क्या? जिस बच्चे के बारे में मुझे बताया तक नहीं, जिससे मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं होना चाहिए। अम्मी आजर तो मेरा बहुत ख्याल रखता है, लेकिन ताया अप्पू को पता नहीं मुझसे क्या बैर है। ना मेरी खुशी बर्दाश्त कर सकते हैं और ना सुकून, चाहते हर वक्त मैं काम करती रहूं। ऊपर से शहजीन जब से आई है, सूप बना दो, जूस बना दो, पता नहीं क्या क्या बना दो। मुझे लगता है मैं उस घर में नौकरानी बन के रह गई हूँ। तू बिल्कुल फिक्र ना कर नाजी, बस नूरी की शादी से फारिग हो जाओ, फिर तू देख मैं क्या क्या करती हूँ। मिर्जा के दिन अब पूरे हो गए, बस एक काम निकलवाना है उससे, उसके बाद तू देख कैसे ठोट पर वाकर उसको निकलवाऊंगी। क्या करेंगी आप? नाजी बेसब्री मत बन, सही वक्त पे सब कुछ बता दूंगी। अब जा और बना लेना थोड़ी देर जूस सूप जो भी है। शाबाश, अल्लाह हाफिज। कल खाना मैं बनाकर भेज दूंगी, क्या याद करेगी तू। भाई रुबीना के भेजा लाड प्यार ने दोनों बच्चियों को बिगाड़ के रख दिया है। नाजी तो चलो मैंने उसको अपनी बहू बना लिया, अब उसकी भली बुरी जैसी भी आदतें हैं वो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन नूरी तो उससे चार हाथ आगे है नाजी से। भाई उसके कदम तो घर में टिकते ही नहीं है। भाई रुबीना को चाहिए था ना इनको कंट्रोल में रखती, लेकिन उसने तो बेजा झूठ दे रखी थी इनको, इसीलिए तो ये सब कुछ हो रहा है। बस क्या बताऊं भाईजान, सख्त परेशान, आने की कोशिश भी कर रहा हूं। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हुआ तो कोरोना की पाबंदियां शुरू हो गई। अरे भाई आसिफ तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। बहुत अच्छा नूरी के लिए रिश्ता देखा है, अगले हफ्ते उसका निकाह कर दूंगा मैं। भाई साहब आपकी वजह से बहुत ढारस रहती है, लेकिन मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ। छुट्टी की दरखास्त दी है, पहली फ्लाइट जो मिलेगी इंशाल्लाह मैं पहुंच जाऊंगा। अरे नासिर तुम जरूर आओ, लेकिन यहाँ के मामलात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है मेरे भाई। ठीक है भाई साहब, खुदा हाफिज़। हाफिज़। ताया अबू चाय कमरे में लिया। मेरा बस चले ना तो इस चाय में जहर मिला दो, ताकि इस बुढ़े से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाए। हमजा हमजा ये देखो, हमजा 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 ये देखो। अगर शहजीन के साथ ये सब ना हुआ होता तो कभी मैं भी इसी तरह अपने बच्चे को गोद में लेकर के लाता, मगर ये भी तो मेरा ही बेटा, मेरी हानिया की औलाद, मेरा भांजा, और मैं इसका इकलौता मामा। जी हमजा, जी हमजा, यू वांट दिस यहाँ पे बड़ा प्यार हो रहा है मामू और भांजे में। जी क्योंकि ये मेरा इकलौता भांजा है और मैं इसका इकलौता मामा, क्यों ना हो प्यार, आपको अच्छा नहीं लग रहा? भला मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, ते प्यार से रखा हुआ आप लोगों ने हमजा को, मुझसे ज्यादा तो आपका और मम्मी का हक है इस पे, आप ही लोग इसके सरबराह हैं। वैसे भी अब मुझे आजर से कोई ताल्लुक नहीं रखना, और रखना भी नहीं चाहिए, उसे उसकी दूसरी बीवी मुबारक हो। और तुम्हें क्या कमी है भला? देखो हानिया, मैं तो कहता हूं कि इस झूठे रिश्ते को खत्म कर दो और खुला ले लो आजर से। मेरा
मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है उससे, लेकिन हमसा का तो वो बाप है ना, मैं क्यों इसे इसके बाप से अलग करूं? ये इसके साथ जाती होगी भाई, मैं ये नहीं कर सकती। ये तुम उस शख्स के बारे में कह रही हो जिसने तुम्हारी कभी परवाह नहीं की और ना ही हमजा की। उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंका और तुम्हारी जगह किसी और को ले आया। जरूरी तो नहीं कि जो उसने मेरे साथ किया मैं भी वही करूं, और वैसे भी मुझे तो अब तन्हा ही रहना है, किसी पे भरोसा नहीं करना मुझे, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हासा मेरी जिंदगी में हो या ना हो। अगर हमसा को उसकी जरूरत है, वो इसका बाप है और मैं इसको उससे अलग नहीं कर सकती। इंसर्ट सिम, सिम तो है इसमें, देखती हूँ मैं क्या होगा। आ जाए। क्या कर रही हो शाजीन बेटा? पता नहीं बाबा, सिम लगी हुई है लेकिन फिर भी इस पे नेटवर्क शो नहीं हो रहा। अच्छा? हाँ ये देखें, सिम तो लगी हुई थी इसमें, फिर भी फोन कह रहा है कि इंसर्ट सिम इंसर्ट सिम। ये तो खराब हो गई बेटा, घिस गई है। क्या, मगर कैसे खराब हो गई, मैंने तो इतना इस्तेमाल भी नहीं किया इसे। बेटा हो जाता है, असल में ये घिस गई है सिम इसलिए खराब हो गई है। मैं तुम्हें दूसरी निकलवा दूंगा, बल्कि मेरे पास एक नई सिम है, मैं इस्तेमाल नहीं करता, वो तुम्हें दे देता हूँ। ठीक है? ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। मैं दूसरी सिम ला के देता हूँ, ये तो खराब हो गई, इसको फेंक दो, है ना? तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? आजर का फोन आया था, कह रहा था कि ऑफिस में बहुत काम है, देर से आऊंगा। और मिर्जा, मुझे तो कहकर गया था कि वो लड़के की मालूमात करवाएंगे, है किया भी है कि नहीं? क्यों, उस लड़के की मालूमात तो भाई ने करनी थी ना। हाँ गया था, कह रहे सब कुछ ठीक है लेकिन। अरे अगर सब कुछ ठीक है तो लेकिन का क्या मतलब है? आप अपनी शादी की तैयारियां करें, ताया अबू के आश्रय में मत बैठे। आप जानती है ना, उन्हें अपनी बेटी से फुर्सत नहीं मिलती है। बिल्कुल ठीक कह रही है, मुरी को जल्दी से रुखसत कर दूं ना, उसके बाद इस मिर्जे का भी कुछ काम तमाम करना पड़ेगा। हड्डी की तरह ना यहाँ फंस गया है, ना निकला जाता है ना उगला जाता है, सीबत खाना। लेकिन करेंगी क्या, क्या करेंगी? ऐसी तरकीब है मेरे पास, तू देखती रहे, है? ऐसी चाल चलूंगी कि आजिर खुद धक्के देकर बाप को घर से निकालेगा। क्या सच में? तू देखती जा। मगर अम्मी ये शहजीन मुसीबत, इसका क्या होगा? उस मुसीबत को मैं अपने घर लाने लगी, आमिर की दुल्हन बना के। क्या? और भाभी? उसका पत्ता मैं काटने लगी, ऐसे आमिर की नजरों में गिराऊंगी कि वो खुद तलाक 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 करके भेज देगा उसे। लेकिन ये सब होगा कैसे, क्योंकि आपके बेटे साहब आपकी बहू से बेहद प्यार करते हैं, बहुत फिदा है उन पर। एक तो तू अपनी माँ को हमेशा हल्का ही लेती है, मोहब्बत को नफरत में कैसे तब्दील करते तेरी माँ अच्छी तरह से जानती है, तो फिक्र क्यों कर रही है, सब संभाल लूंगी मैं। हाँ लेकिन शहजीन की तलाक नहीं हुई है अम्मी अभी। तो हो जाएगी, मिर्जा मुझे बता रहा था कि बहुत जल्द वो कोरट से खुला के कागजात भिजवा रहे। चलो इसी बहाने मेरी मेरी उस नखरीली से जान छूट जाएगी। उस नखरीले का एक एक नखरा मैं खुद निकालूंगी, उसे घर आने दे। हाँ तू ज्यादा टेंशन मत ले, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले, उसके बाद जब तू यहाँ आएगी उसे खिदमत करवाऊंगी तेरी।
डन, ठीक है ना? डन। अच्छा जा, मिर्जा आ जाएगा यहाँ पे ढूंढते हुए। हाँ याद रखिएगा। पकाया क्या था, एक प्लेट तो भेज दे। तामिनु बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा नाजी कहाँ है? अपने रूम में नहीं है। ऊपर वही होगी अपने माँ के घर, सारा दिन वही की दौड़ लगी रहती है। चले बाबा, सारा दिन घर के काम भी तो वही करती है ना, अगर अपनी माँ से मिलने चली जाती तो इसमें क्या है। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम नाजी की बहुत तरफदारी करने लगे। तरफदारी की क्या बात है बाबा, जो सच है वही बता रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? बाबा मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। सारा मतलब समझता हूँ मैं, तुम अपनी बीवी को मजलूम और मुझे जालिम समझते हो, इसलिए बार बार मुझे एहसास दिलाते हो कि वो सारे काम करती है। मना कर दो उसको, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, अभी मुझ में इतना दमखम है जिस तरह मैं पहले सारे काम करता था, खाना पकाता था, हर चीज करता था, अब भी कर सकता हूं। बाबा क्या हो गया आपको, आप इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ क्यों बना रहे हैं? आज़र, ये क्या कर रहे हैं आप, और ये किस तरह बात कर रहे हैं तायबू से? नाजी मैं सिर्फ उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम भी इंसान हो, अगर तुम अपनी मर्जी से कुछ कर रही हो तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। आज़र ये मेरे और तायबू का मामला है, वो इस घर के बड़े, वो मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा और ना कभी बुरा लगता है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, अगर मैं घर के काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? आप इस बारे में बिल्कुल टेंशन मत लिया करें, और माफी मांगे ताया अब्बू से, माफी मांगे। I'm sorry बाबा। क्या हो गया, ठीक तो तू? कुछ नहीं यार, बस किचन में काम कर रही थी, बर्तन वर्तन धोए फिर किचन साफ किया। आंटी की तबीयत सही नहीं थी, सर में दर्द हो रहा था तो उनके लिए अदरक वाली चाय बनाई। अरे वाह, बड़ी खिदमतें हो रही हैं, अदरक वाली चाय। हाँ पियोगे तुम? नहीं नहीं, तुमने अभी थोड़ी देर पहले तो कॉफी बना के दी थी मुझे। हाँ चलो फिर कल बना दूंगी। इतना काम क्यों करती हो तुम? हाँ नूरी से कहा करो, वो किया करे काम, घर के बर्तन धोना, खाना पकाना, सारी जिम्मेदारियां तुमने उठाई। नूरी मेहमान है इस घर में, अब मैं उससे काम करवाऊंगी, और वैसे भी मेरा घर है, मुझे ही करना। ये बात तो ठीक कही तुमने, ये घर भी तुम्हारा है और मैं। अच्छा कल से आप बर्तन धो। तुम्हारा ही है घर, मुझसे नहीं होता ये काम। मजाक करी, मैं ही करी। थैंक यू। हम माँ ठीक कह रहे हैं, तुम्हें कोई ना कोई फैसला तो करना ही होगा, इतनी लंबी जिंदगी तनह तो नहीं गुजर सकती ना बेटा। गुजार लूंगी, मेरा बेटा है, आप लोग, मुझे और क्या चाहिए? मुझे चाहिए तुम्हारी खुशी, तुम्हारी हस्ती बस्ती जिंदगी, वरना ये एहसास है जुर्म मुझे जीने नहीं देगा। एहसास है जुर्म? ऐसा क्यों बोल रही है मामा? बेटा मैंने जबरदस्ती हानिया की शादी करवाई थी, इस पर जोर डालकर, इसे बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाकर, जिनमें से कोई भी सच साबित नहीं हुआ। मम्मी प्लीज, क्या हो गया है आपको, क्यों ऐसी बातें कर रही? जो कुछ भी होता है वो कोई इंसान नहीं बल्कि अल्लाह करता, साथ में जो कुछ भी हुआ वो बस मेरा नसीब था। नहीं बेटा, बहुत दफा हमें अपने गलत फैसलों का भी भुगतान भुगतना पड़ता है, और अगर तुम्हें अल्लाह पर इतना भरोसा है तो फिर तुम भूल क्यों नहीं जाती हुई ये सब कुछ? भूल चुकी हूँ मैं, बाजर से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, कर चुका है वो मेरी जिंदगी से। तो फिर इस बेनाम रिश्ते को खत्म कर दो ना हानिया।
तुम सिर्फ हमजा को यह एहसास दिलाना चाहती हो कि उसकी जिंदगी में एक बाप है जो कि नॉन एग्जिस्टेंट है। वो तुम लोगों को टाइम नहीं देता, ना मिलता है, और वैसे भी वो अपनी नई जिंदगी में खुश है। क्या मतलब नई जिंदगी? जी मामा, आज़र ने दूसरी शादी कर ली नाज़नीन से। क्या, किसने बताया ये तुम्हें? इसी ने देखा था उन दोनों, और फिर नाज़नीन ने इसको आके बताया खुद। हानिया, इसीलिए समझा रहा हूं मैं इसको। प्लीज आप समझाएं इसको मामा। मात बेटा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? क्या बताता मैं मामा? प्लीज आप ही समझाएं इसे, प्लीज। भाई साहब, छानबीन करने के लिए आमिर गया था। फैक्ट्री कह रहे कोई छोटी मोटी नहीं थी, बड़ी है और बड़ी कामयाब चल रही है। उसने तो वहां जाकर उसके मजदूरों से भी पूछा, उसने बड़ी तारीफें की हैं सबने। अच्छा, तो भाई बिस्मिल्लाह करो, उनको हाँ कह दो और निकाह की तारीख ले लो। भाई साहब, मैं सोच रही थी मैं उनको फोन करके ये कह दूं कि अगले जुमे को निकाह कर लें। रुबीना, अगले जुमे को क्यों? अभी तो इस जुमे में भी 4 रोज बाकी हैं, इसी जुमे को क्यों नहीं? और तुमने कौन सा धूम धड़क्का करना है? जितनी जल्दी हो नूरी को रुखसत करो, काफी बेइज्जती हो चुकी है। और हाँ, उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए नूरी वाला वाकया। जी अमीर, फैक्ट्री के मालिक होगी मेरी। वाह, मैंने सोचा तुम्हें सब कुछ बता दूं, ये ना हो कि बाद में तुम मेरी गर्दन पकड़ो। बहुत अच्छा क्या ख्याल आपने, अब बस मैं जानू और मेरे ससुराल वाले। आपको इस मामले से ताल्लुक रखने की कोई जरूरत नहीं, अपनी फीस लें और साइड में हो जाएं। चलें फिर, मुझे क्या। वैसे मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, बस मुझे मेरी फीस मिल जानी चाहिए। आपकी फीस आज मैं आपके घर पहुंचा दूंगी, बस एक बात याद रखिएगा, आपको इनसे राब्ता करने की अब कोई जरूरत नहीं। तुम फिक्र मत करो, मुझे क्या पड़ी है उनसे राब्ता करने की। अगर तुम कहती हो तो मैं उनसे भी फीस लेकर गायब हो जाती हूँ। लड़का बाकायदा शादीशुदा है, बीवी बच्चे भी हैं, दूसरी शादी करना चाहता है क्योंकि उसे अब कम उम्र और जवान बीवी चाहिए। अब देखो रुबीना बेगम, मैं कैसे बात पे बात करती हूँ। शहजीन बेटा, मुझे एहसास हुआ है कि मुझसे गलती हो गई है। हमाद तुम्हारा शौहर है अभी भी, भाई यही सोचकर मैंने उसे फोन कर लिया, लेकिन उसने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की, जरा सा भी मेरा लिहाज नहीं किया और फौरन फोन हानिया को पकड़ा दिया, और हानिया ने इतनी घिरी हुई बात की तुम्हारे लिए कि मेरी जबान से वो बात नहीं निकल रही। बाबा मुझे बताएं क्या कहा उन्होंने? हानिया कहती है कि हमाद कह रहा है कि वो बहुत जल्द तुम्हें तलाक के कागज भिजवाए। तलाक? हाँ बेटा, हमाद बहुत गुस्से में था, मैंने उससे माफी मांगी और मैंने उससे ये कहा, भाई मेरी गलती की सजा मेरी शहजीन को तो मत दो। लेकिन उसने कहा, बाप की बेटी ने बार बार गलतियां की है, मेरी माँ की बेइज्जती की है, मेरी बहन पे झूठे इल्जामात लगाए हैं, और
और बगैर बताए अपने घर चली गई सब कुछ छोड़ छाड़ के। और फिर फौरन ही हानिया ने उससे फोन छीन लिया और मुझे हानिया फोन पे कहती है कि आपकी बेटी जेवरात और नकदी लेकर अपने घर चली गई है। हम तो पुलिस को फोन करने वाले थे, अगर हम पुलिस को फोन कर देते तो आज आपकी बेटी थाने में होती। क्या कह रहे हैं बाबा, आपने इतने गंदे सामान लगाए मुझ पे। मत कहो बेटा उसे भाभी, वो भाभी कहने के काबिल ही नहीं है। रिश्ता खत्म हो चुका है, वो इस रिश्ते के काबिल नहीं थी। बेटा बेटा देखो, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए था। अगर तुम कहोगी मैं हमाद के घर जाके उसके पांव पकड़ लूंगा, उसकी माँ से भी माफी मांगूंगा, सबसे माफी मांगूंगा। हरगिज नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे बाबा। अरे मेरी बच्ची, अगर वो मुझे अपने साथ ही रखना चाहते तो मुझे भी नहीं रहना उनके साथ। ठीक है, मैं आपके साथ रहूंगी। मैं ठीक है बेटा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे ठीक है। पता है वो तारे की बहन आसिया मुझे बता रही थी कि वो इतनी खुश है, अगले हफ्ते कोई फ्लाइट है ना उसकी, वो कह रही थी उसको डर लग रहा था कि शायद मैं फैसले में जरा ज्यादा देर ले लूं। अरे नहीं आंटी, आपने बहुत अच्छा किया जो तारीख दे दी। वो रिश्ते वाली बता रही थी कि दो रिश्ते और हैं जो तारिक के बहुत पीछे पड़े हैं, लेकिन तारिक को तो हमारी नूरी पसंद आ गई है। क्यों नहीं पसंद आएगी, हमारी नूरी है ही इतनी खूबसूरत। वैसे अम्मी, आमिर भाई से कहें एक बार जाकर उनका घर बार तो देख लें। अरे उन्होंने हमें दावत में बुलाया है ना कल, वो जाकर देख लेंगे। हाँ हाँ, जिसका इतना अच्छा कारोबार हो तो घर भी शानदार ही होगा। है हाँ हाँ बिल्कुल, और इतनी खुशी की बात है आंटी, तो मुँह मीठा तो बनता है। मैं मिठाई लेकर आ। जीती रहो जीती रहो बेटा। हाय, बेचारी कितनी खातिरें कर रही है हमारी, इनको पता नहीं है कि बहुत जल्द इनका पत्ता भी कटने वाला है। क्या क्या मतलब? तेरी शादी के बाद तेरी घूमी मिसली भाभी को भी घर से निकलवा दूंगी। बस बहुत हो गया, मेरे हीरे जैसे बेटे को जन मुरीद बना दिया, बदतमीज गुस्ताख हो गया। इसको क्या लगता है रूबीना ये बर्दाश्त कर लेगी? ऐसा क्या करेंगी आप? ऐसी तरकीब सोचिए बेटा जी कि खड़े खड़े आमिर इसको तलाक भी देगा और अपने हाथों से धक्के मारकर घर से निकाल। फिर मैं चाहती हूँ कि आमिर की शादी मैं शहजीन से कर, भाई साहब से भी बात की, उनको तैयार कर रही हूँ कि शहजीन को तलाक दिलवा दो। वाह अम्मी, आपका दिमाग तो बहुत चल रहा है। आपका बच्चा। हेलो जान, बिल्कुल आप पर गया है? नहीं, इसके चेहरे पर भी वही मासूम रहते जो तुम्हारे चेहरे पर। बाबा पास आ गए यार, बाबा पास आ गए। कितना हंसता है ये। बहुत अच्छा किया तुमने, तुम वापस आ गए। बाबा